अध्यापक किसी जादूगर से कम नहीं। अगर उन्हें कोरोना बीमारी से थोड़ी सी छूट मिले तो वे अपने जादू अवश्य दिखा सकते हैं। ये कहना है न्यूकर क्रिसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंदर नगर के MD विजय शर्मा का। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई केवल एक अध्यापक ही करवा सकता है। उन्होंने कहा कि आज फिर से स्कूल खुल गए हैं और हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, और अगर स्कूलों को आगे भी इसी प्रकार से खुला रखा गया तो बच्चों की पढ़ाई में स्कूल बंद होने के चलते जो कमी रही है उसे पूरा करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक अध्यापक क्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य सही होना सबसे जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि कोरोना काल के चलते बच्चों की पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ है, अतः वे इस बारे में अध्यापकों का सहयोग करें। ने देखा कि बच्चों की पढ़ाई पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है, पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन मुझे लगता है अगर हमें पढ़ाने का भी मौका मिले तो जो भी कमी रही है हम उसको बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि हम टीचर हैं, एक अध्यापक क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी साथ में SOPs हैं, वो तो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, मास्क प्रॉपरली लगाया जाए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाए, थर्मल स्कैनिंग, किसी में कुछ इस तरह के अगर हम लक्षण देखते हैं तो उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए कुछ दिनों के लिए। बाकी तो मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी अब दिक्कत नहीं है, वैक्सीनेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी है तो सारी चीज़ें अब नॉर्मल आ जाएंगी। बाकी अभिभावकों से भी मेरी अपील है कि बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है तो थोड़ा सा वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। बाकी पढ़ाना तो हमने है, ठीक है। तो टीचर जो है एक जादूगर से कम नहीं है, तो हम अपना जादू दिखा सकते हैं अगर हमें अब कोरोना के नाम की बीमारी से थोड़ी सी छूट मिले। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से साईशा सूद की रिपोर्ट।